2018 में मैंने निकॉन का फुल फ्रेम DSLR लिया था। उस टाइम DSLR ट्रेंडिंग में था, मतलब मिररलेस अब है बट पहले DSLR ही हुआ करते थे ज़्यादा। तो मैंने परचेज़ किया था, और क्योंकि मुझे बहुत स्वेटिंग होती है तो बहुत बार ऐसा हुआ है कि जो मेरा कैमरा है वो स्वेट से भीग जाता है, राइट। और क्योंकि स्वेट से चांसेस हैं कि जो आपका कैमरा है उसके अंदर मॉइस्चर हो सकता है, और जिसकी वजह से कैमरा जो आपका है काम करना बंद हो जाता है, ठीक है। 2020 में जब कोरोना था तो उस टाइम क्या हुआ कि जो मेरे बटन्स हैं वो कुछ काम करना बंद हो गए, ठीक है, निकॉन D750 के अंदर। और मुझे लगा शायद बहुत ज़्यादा मेजर इशू है, बट ऐसा कुछ नहीं था। उस टाइम मुझे नहीं पता था कि अगर मैं अपने कैमरे को ड्राई कैबिनेट के अंदर मैं डाल दूंगा तो वो अपने आप ठीक हो जाएगा इन इन सम डेज़। उसके बाद मैंने चेक किया कि जो मेरे आसपास जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ पे निकॉन के सर्विस सेंटर हैं कि नहीं, और दो मुझे मिले थे, एक करोल बाग में था और दूसरा ओखला के पास था। करोल बाग में पहले गया था कैमरा ठीक कराने के लिए अपना, और उसकी रेटिंग जो है अच्छी है और मुझे वहीं जाना चाहिए था, बट मैंने गलती कर दी और मैं ओखला चला गया। वहाँ जाने के बाद भी मुझे ऐसा लगा कि ये जो जगह है वो ठीक नहीं है, मतलब सर्विस के मामले में और लोकेशन वाइज भी मुझे गट फीलिंग जो है थोड़ी सी अच्छी नहीं आ रही थी, बट स्टिल मैंने वहाँ पे कैमरा दे दिया अपना। उसके बाद उन्होंने मुझे मेंशन किया कि आप, क्योंकि आपके कैमरे में मॉइस्चर हो चुका है तो हमें रिप्लेस कराना पड़ेगा कुछ कुछ पार्ट को, बट एक्चुअली में कुछ हुआ नहीं था ऐसा। एक्चुअली में क्या हुआ था कि जब वो ओपन कर रहे थे तो उनसे गलती से कुछ एक चिप या फिर कोई वायर जो है टूट गया था, और मुझे उस टाइम नहीं पता था ये बात, ठीक है। जब बाद में मुझे पता लगा तो मुझे बड़ा दुख हुआ, मुझे बड़ा गुस्सा भी आया कि मेरे 10,000 रुपये लग गए रिपेयर में, जबकि बहुत ही सिंपल सी चीज़ थी, और अगर मैं उसको सिर्फ ड्राई कैबिनेट में रखता तो वो ठीक हो जाता। बट क्योंकि उन्होंने पहले ही मेरे से कंसेंट ले लिया था कि आपका कैमरा जो है वो डैमेज है, और अगर आप हाँ बोलेंगे आगे ठीक करने के लिए तभी हम ठीक करेंगे, तो वहाँ पे मैं कुछ कर भी नहीं पाया, या कुछ कर सकता था बट मैंने किया नहीं। तो अगर आपके पास DSLR है या कोई भी एक्सपेंसिव इक्विपमेंट है तो उस प्रोडक्ट का एक आइडियल एक ह्यूमिडिटी लेवल होता है जिसमें आपको उसको मेंटेन करना होता है। अगर आप उसमें रखोगे उसको तो बहुत अच्छी बात है, और क्योंकि इंडिया में बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी बहुत जगह है तो वो जो प्रॉब्लम है वो आपको बहुत सारे प्रोडक्ट्स में आ सकता है, और इसकी वजह से मुझे उसमें प्रॉब्लम आया था। ऐसा कोई उसमें बड़ा रिपेयर की कोई ज़रूरत नहीं थी उसमें। और ये जो है छोटा सा है, जो ड्राई कैबिनेट है बहुत छोटा सा है, बट मेरे पास 3 फुल फ्रेम कैमरास हैं और मेरे पास 5-6 लेंसेज भी हैं, उनके अलावा भी मैं काफ़ी चीज़ें इसमें डाल सकता हूँ, ठीक है। और इसमें आप ज्वेलरी, बैंक नोट्स, इंपॉर्टेंट स्टैम्प्स, जो भी चीज़ें हैं आप डाल सकते हैं, तो ऐसा कोई पर्पस इसका रिस्ट्रिक्टेड नहीं है। बट एक्सपेंसिव चीज़ें आप इसमें रख सकते हैं, लॉकर भी इसमें दिया हुआ है, ठीक है। इसका बड़ा वर्जन भी आता है, आप वो भी देख सकते हैं, बट दिस वॉज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये ज़रूरी था तो मैंने इसलिए इस पर शॉर्ट वीडियो बना दिया।